कांच की तरह कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे उसाई कबीर, मैंने अपनी मौजूदा ज़िंदगी को अब कबूल कर लिया। बेहतर है कि तुम भी अपनी मौजूदा ज़िंदगी को कबूल कर लो, शायद यही हम दोनों के लिए ठीक है। नहीं मारिया, नहीं, तुम कुछ नहीं समझती। अरे तुमने अपने शौहर को कभी कुछ समझा ही नहीं, उसकी मुश्किलात को कभी अपना बनाया ही नहीं। अगर तुम उसे रोकती, उसे समझाती तो जो आज हुआ है ना, कम से कम ये तो कभी ना होता। शहीद रायमा को लेकर आ जाएगा तो फिर सब संभाल लेगा। भाई साहब, आपने जब समिया के निकाह की बात की थी तो दोपहर थी और शाम को समिया का निकाह होना था, मैं तो परेशान नहीं हुई। सिमी, उस वक्त सारे इंतजामात मुकम्मल थे, एक एक काम मैंने खुद किया, लेकिन अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई काम कर सकूं। अरे आप बस हाँ कर दें, बाकी सारे इंतजामात आप हम पर छोड़ दें। भाई देखे ना, आखिर हम लड़के वाले हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम निकाह कब करना चाहते? आज रात को। क्या आज रात? नहीं सिमी, एक दो दिन का वक्त तो दो। देखो जब समिया का निकाह हुआ था तो उस वक्त हमने सब तैयारी मुकम्मल कर रखी थी, लेकिन अभी तो कोई एक काम भी नहीं। भाई साहब, निकाह के लिए जो तैयारी चाहिए होती है वो सब हमारे पास मौजूद है। लड़का, लड़की, गवाह, दुआ देने के लिए बड़े और साथ देने के लिए रिश्तेदार, ये सब तैयारियां क्या कम है? फिर भी गुड़िया से बात तो करनी पड़ेगी। क्या आपने उसे ये बात बताई नहीं थी? हाँ मैं बता तो चुका हूँ उसे, और उसे कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन अब निकाह की बात है तो जाहिर है निकाह से पहले उसकी मर्जी जाना तो जरूरी है। भाई साहब, जिस तरह मैंने अपनी बेटी समिया को बताया उसी तरह आप उसे बता दें। और समिया के साथ तो क्या कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसने हमारी बात रखी, इनकार नहीं किया। और गुड़िया के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो क्यों इनकार करेगी? बस मैं समिया से कहती हूँ कि वो तैयारियां शुरू कर दे, आप भी तैयारी शुरू कर दे, बस गुड़िया और अरबाज का निकाह आज ही होगा। चलो शुक्र है यार, सारे काम हो गए जो अबू ने कहे थे, ऐसे सदका भी दे दिया। मैं अब जा रहा हूँ रायमा को पिक करने, तुम अबू को बता देना कि अगर मुझे पहुँचने में थोड़ी देर हो जाए प्लीज पहुँच जाना, ठीक है? सही है, बताती हूँ आपको, जैसे होता है जो भी होता है इन्फॉर्म करती हूँ। जी 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 हाँ, अच्छा चले मैं बाद में बात करती हूँ। अम्मी सब कुछ क्या है, आप लोग ने सब कुछ अचानक से प्लान कर लिया, निकाह है कोई मजाक नहीं है। अरे बेटा तुम्हारा भी ऐसे ही निकाह हुआ था। अम्मी मेरी बात कुछ और थी, यहाँ पे अरबाज इन्वॉल्व है, आप कैसे उसके हवाले से इतना जज्बाती फैसला कर सकती हैं? अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी प्लानिंग अरबाज की है तो फिर तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना उसके मूड का, वो जब चाहे चेंज हो सकता है, उसके बाद जितना मर्जी हमें नुकसान हो। देखो समिया, अपनी तकरीरें अपने पास रखो, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि अपने निकाह का जोड़ा निकाल दो ताकि गुड़िया को दे दूं, वो भी तैयार हो जाए। अम्मी आपने गुड़िया को ये सब कुछ बता दिया? नहीं, अब तुम्हारे बाद बताऊंगी जाकर। अम्मी पता नहीं क्या हो गया आप दोनों को, ये निकाह मजाक नहीं है, ना ही अरबाज की कोई पार्टी जो बस अचानक से प्लान कर दी गई है।
भाई अगर गुड़िया को इस बात पर इतराज होगा तो निकाह नहीं करेंगे, और अगर वो मान जाएगी तो निकाह कर देंगे। वेरी सिंपल। अब इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है बेटा? तमाशा आप दोनों कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है और घर में निकाह हो रहा है। वसी को कुछ बताया आपने? अरे भाई वसी को तुम बता देना, अब ये मत कहना कि रायमा और शहीर को भी बता दें, उन्हें तो यहाँ सब कुछ आने पर ही पता लगेगा। क्या गुड़िया इस सारी बात को मान जाएगी? अरे बेटा जब हम शहीर और रायमा की आमद की खुशी को निकाह के साथ मिलाएंगे तो गुड़िया ऑटोमेटिकली बहुत खुश होगी। बस तुम तैयारी शुरू करो क्योंकि वक्त बहुत कम है। वसी को भी बता देना कि निकाह में शिरकत के लिए आ जाए, ना ही किसी मशवरे के लिए और ना ही किसी फरमाइश के लिए। बेटा खामा खाए तुम्हें इतने पैसे जाहिर किए, क्या जरूरत थी इतने सारे टेस्ट करवाने की? आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, पैसे सेहत से ज्यादा अहम तो नहीं है ना? और फिर टेस्ट कराने से जरा तसल्ली हो जाती है, अब आप हमारे साथ रह तो नहीं रही, कम से कम हमें अपनी केयर तो करनी है। ये तो आप थे जो इन्होंने टेस्ट करवा लिए, मैं तो इन्हें कुछ भी कहती रह जाती, ये कभी भी टेस्ट नहीं करवाती। ये सारे डॉक्टरों के चोंचले हैं, हमारे हकीम साहब ठीक है, बगैर ड्रामे के दवाई लिख के दे देते हैं और उसके बाद मेरी तबीयत संभल जाती है। उनकी तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। लेकिन अब आप जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगी कम से कम आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके साथ जाएंगी, विच इज वेरी नेसेसरी। मैं तो कभी ना जाऊं डॉक्टरों के पास। अब तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन प्लीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप हमारे घर में हमारे साथ नहीं रह रही, कम से कम इस तरह आपके चेकअप के लिए मुझे आपको रेगुलरली बुलाना पड़ेगा, प्लीज इससे इनकार मत करें आंटी। ये बिल्कुल ठीक किया आप। क्या ठीक किया? इस उम्र में ये चोंचले अच्छे लगते हैं बेटा। अम्मी सेहत का ख्याल रखना कोई चोंचले नहीं होते। एग्जैक्टली देखें एक बात हमने आपकी मानी, अब एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी, डील? और अब आप नौकरी के बारे में भी सोचना छोड़ दें, बहुत काम कर लिया आपने, सारी जिंदगी तो काम किया है। नौकरी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों चाहते हो कि मैं मोहताज हो जाऊं। देखो रायमा अगर आंटी काम करना चाहती है तो उनकी मर्जी है, हमारा फर्ज है उनकी सेहत का ख्याल रखना जो हम रखेंगे, बाकी आंटी जिस तरह आप काम करेंगे। जीते मुझे आप दोनों के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। देखा सिमी मेरी बेटी ने किस तरह मेरी बात का मान रखा। जी खुश रहो बेटा, बस तुम मेरे साथ चलो, समिया ने वहां सारी तैयारी कर रखी। रायमा अपना ख्याल रखो बेटा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी किसी अरे गरे के फोन पे ऐसे परेशान होके मत आना। अगर आप मेरे साथ चले ना तो मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी। इस बारे में तफसीली बात हो चुकी है मेरी शहीद के साथ। एग्जैक्टली और आंटी ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने इसकी वजह भी शहीद को बताई है, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो। अम्मी आप इतनी इज्जत क्यों करती हैं? ताकि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे और उसकी जिम्मेदारियां मैं मजीद ना लूं। रायमा अगर आंटी हमारे साथ नहीं जा रही तो तुम टेंशन ना लो, वो वक्तन फौरतन हमारे यहाँ आती रही। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम लोग हर बार अपनी खुशियों में मुझे दिलाओ, फिर मैं सर के बल चली। रायमा देखो बेटा अब तुम अपनी ससुराल में, कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना और सबको साथ लेकर चलना, खासकर फहीम भाई का ख्याल रखना। मेरे ख्याल से तो उनका बहुत मूड हो रहा है इनका ख्याल रखने का, तो आजकल तो वो एक्साइटेड है इनका ख्याल रखने के लिए। ये तो उनकी मोहब्बत है जिसका ख्याल रखना। ओके अम्मी खुदा हाफिज़। रायमा आप चलें, अबू बड़ी बेताबी से आपका इंतजार कर। जी जी चलें, अल्लाह ओके अम्मी खुदा हाफिज़।
खुश और आबाद रखें मेरी बच्ची। अरे बसी, आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ वो ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था। चलो अच्छा किया, घर में भी एक खुशी की तकरीब है, अच्छा किया जो तुम जल्दी आ गए। खुशी की तकरीब ऐसे अचानक? तुम्हारे सवालों का जवाब समिया देगी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जाओ। अरे तुम, मैं बस अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी कि आ जाओ ऑफिस से, जल्दी आ जाओ। ये सब तैयारी, घर में कुछ है क्या? इवेंट तो बहुत बड़ा है, बस एक छोटे पैमाने पे और अचानक से हो रहा है। इवेंट और इतना अचानक, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मुझे भी बस कुछ देर पहले ही पता चला है, इसीलिए ये सब तैयारियां कर रही हूं। एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, घर में क्या इवेंट है? तुम इतना तैयार हुई हुई हो, मुझे कोई बताएगा भी कि नहीं? अभी कहां तैयार हुई हूं, अभी तो शादी के लिए तैयार होना है। लेकिन किस लिए? अरबाज और गुड़िया का निकाह है। क्या? ये शेरवानी अबू ने मेरे लिए बनवाई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मुझे यूं लग रहा है कि बरसों पहले का नदीम मेरे सामने बैठा। मैं यही चाहता हूं कि आप जब भी मुझे देखें तो आपको मुझमें अबू की परछाई नजर आए। जीते रहो, सलामत रहो बेटा, हमेशा ऐसा काम करो जिस पे मुझे फख्र, और गुड़िया पर भी। मैं कोशिश करूंगा बेटा, गुड़िया मेरी बेटी की तरह, उसे हमेशा खुश रखना। और ये ख्याल रखना, अगर गुड़िया को दुख दोगे तो मुझे दुख होगा। तैबू, मैं आपको कैसे दुख पहुंचा सकता हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन। यकीन तो आपको करना पड़ेगा जब आपकी मुंह बोली बेटी तलाकी याफ्ता होकर आपके घर वापस आ जाएगी। अब इतनी जल्दी क्या निकाह की, पहले जरा हालात तो समझ जाए, अरबाज से काम पे आने का इंतजार कर लेते। इसमें अरबाज के काम पर वापस आने का क्या ताल्लुक है? क्या निकाह के बाद वो काम नहीं कर सकता? अबू, मेरा मतलब है कि पहले वो एक जिम्मेदारी तो संभाल ले, फिर आप उसकी शादी के बारे में सोचिएगा ना। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इसके बाद वो काम बेहतर करने की कोशिश करेगा। और फिर भी अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है, रुख्सती तो नहीं हो रही। तो फिर उसकी रुख्सती भी कर दीजिए ना, जब आपको उस पर इतना ही भरोसा है। तो तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है, आपने अरबाज और गुड़िया के बारे में भी सोचा है? उनसे पूछा आपने इस बात के बारे में? बेटा, ये मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर किया और दोनों से उनकी मर्जी पूछी तभी किया। पहले तो मेरा इरादा था कि निकाह कुछ दिन बाद करूंगा, लेकिन फिर ये फैसला किया कि जितनी जल्द हो जाए अच्छी बात है। और फिर इस खुशी के साथ साथ हम रायमा की सेहत याबी की भी खुशी मनाएंगे। तुम जल्दी से शहीर को भी फोन करके कह। शहीर को पता है कि अरबाज और गुड़िया का निकाह हो रहा है? हाँ, शहीर के लिए भी सरप्राइज है, और सच पूछो वसी तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो फिर खुशी को मनाने से इनकार नहीं करना चाहिए। खुशी अगर सिर्फ भाभी के लिए होती तो मुझे एतराज नहीं था अबू, लेकिन इतनी अचानक निकाह करना, ये मुझे जरा मुश्किल लग रहा है। देखो बेटा, तुम्हारा निकाह भी तो इसी तरह अचानक ही हुआ था, और उस वक्त सिमी ने मेरा साथ दिया था। देखो, उस दिन उसने मेरी बात रखी थी और समिया का निकाह कर दिया। आज मुझे उसकी बात रखनी और गुड़िया का निकाह कर देना। और हाँ, 10 मिनट में तैयार हो जाओ, और शहीर से कहना कि वो जो काम मैंने कहा था उसका क्या बना।
ठीक है। भाई साहब, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने निकाह की इजाजत देकर मेरा मान रख लिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना है सिमी, तुमने मेरी बेटी को अपनी बहू मान ली। यहाँ लड़के वाले देर करवा देते हैं, तुमने खुद भी जल्दी की और उसे भी जल्दी करवा। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, सारी जिंदगी आप हम पर एहसानात करते रहे, अब ये इतनी छोटी सी बात। खैर, मैंने वैसे भी अपने बेटे की पसंद को अपनी बहू बनाया। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रहे? तुमने तो खूब इंतजार कराया और डराया भी। हाँ बेटा, हमने इस खुशी के लिए दावत का एहतमाम किया, बाहर तुमने तैयारी देख के अंदाजा कर लिया हो। जी अंदाजा भी हो गया और बहुत खुशी भी हुई। अरे भाई, रायमा इस घर में इतनी बड़ी खुशी ला रही है, तो ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए था। वैसे आप लोगों ने ये सब प्लान कब किया? आई मीन वसी को या किसी को पता नहीं? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं पता इस प्लान के बारे में, सिर्फ भाई साहब को और मुझे पता है हमारा प्लान था ये। और हाँ, इस खुशी को दुबाला करने के लिए हमने एक और महफिल सजाई है, ताकि ये दिन हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो जाए। क्या चजन? बताइए भाई साहब, आप ही बताएंगे। हम गुड़िया का निकाह कर रहे हैं अरबाज के साथ। अरे आप लोग जाओ ना, तैयार हो जाओ। सिमी, रहमा बेटी का जरा ख्याल रखना और गुड़िया को भी देख लो। जी भाई साहब, गुड़िया को तो समिया देख रही है, मैं अपनी रहमा का ख्याल रखूंगी। रहमा जाओ शहर, दोनों तैयार हो जाओ। जी जाओ। जाओ रहमा, आराम से जाना, ख्याल से जाओ। शाबाश। मैं दोनों आ गए, मुझे बेहद खुशी हो रही है। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला और बात निकाह तक पहुंच गई। वैसे तुम्हारे अबू से कोई बात हुई, मैं तो कुछ कह भी नहीं सका और पूछ भी नहीं सका, क्योंकि चेज जान वहां पर थी। मेरे अबू से बात हुई थी, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, और अरबाज के मुताबिक तो उसे सब कुछ अभी बताया गया और ये सब कुछ आज ही प्लान हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें अरबाज पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं मान लें कि वो सही कह रहे हैं। इसका मतलब है पुप्पो ने अंकल से बात की होगी, और गुड़िया को तो कोई एतराज होगा नहीं जब सब कुछ आज ही हो गया। लेकिन अब हम अरबाज की बात पर इस तरह भरोसा तो नहीं कर सकते ना कि वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आई मीन वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। मेरे अरबाज से बात हुई थी, मुझे तो लगा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बल्कि वो पहले से मुख्तलिफ नजर आया मुझे। यानी तुमने भी ये फील किया कि वो पहले से बदल गया है? I mean, as I personally felt some changes in him. So तुम्हें क्या लगता है कि is he the right choice for गुड़िया? गुड़िया के लिए वो सही है? I don't know शहीद, लेकिन अरबाज पे भरोसा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो हम जानते हुए भी गुड़िया के साथ ये सब कुछ होने दें? भाभी, अब कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत कोशिशें कर चुका हूं। बहुत प्यारी लग रही भाई, आज से मैं भी बहू वाली हो गई। आज के बाद मुझे समिया की मोहताजी नहीं होगी। नहीं मारिया, तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। आप प्लीज पैसे बताएं। 15 या 20? रायमा भाभी कब आई? मैं तो उनसे मिली ही नहीं। सिमी, तुम रायमा के पास जाओ, उसका ख्याल रखो, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो।